नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी धरना प्रदर्शन, यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन, महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, आप लोग को बताऊंगा दोस्तों धरना प्रदर्शन में आज क्या हुआ और वहां से क्या आश्वासन मिला। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, अपडेट की तरफ चलते हैं। जो धरना प्रदर्शन था दोस्तों, AGTA के अभ्यर्थी वहां पर उपस्थित हुए थे, वहां पहुंचे थे। लोअर 2019 के भी जो है अभ्यर्थी वहां पहुंचे हुए थे, जो अपनी नियुक्ति को लेकर परेशान हैं, जो लोअर 2019 के अभ्यर्थी हैं नियुक्ति को लेकर परेशान हैं। दोस्तों, संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, AGTA के अभ्यर्थी लगभग 35 से 40 से मैक्सिमम 50 अभ्यर्थी वहाँ पर जो है उपस्थित रहें, और लोअर 2019 के भी ऐसे ही जो है संख्या रही, लगभग 25-30 लोग जो है वहाँ पर पहुँचे थे। तो दोस्तों, जितने अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचे थे वह जो है वहाँ पर जाकर नारेबाजी वगैरह लगाने लगे और अन्य तरह की जो है वहाँ पर जो है अपने हक के लिए जो है वहाँ पर आवाज़ उठाना शुरू किए। और उसके बाद जो है, जब यह सब जो है वहाँ पर पता चला, तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो अधिकारी जी रहे, अधिकारी से वार्ता हुई। वार्ता में बताई गई कि अभी यूपी ट्रिपल एससी में इतना ज़्यादा काम है, लेखपाल से लेकर एनएम से लेकर और अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों, जो पुरानी भर्तियां हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, इतना ज़्यादा काम है कि उसके लिए जो है अभी आयोग के पास उतना समय नहीं है। तो दोस्तों, वहां पर एनएम के भी अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। जब इसमें जो है दोस्तों, AGTA के अभ्यर्थी जो है पूछने लगे कि सर इसका विज्ञापन कब तक आएगा, तो विज्ञापन की बात जो कही गई है, उन्होंने यही कहा कि अगस्त माह के लास्ट में, मतलब इसी महीने के लास्ट में आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। यह देखिए दोस्तों, अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे, पुलिस प्रशासन भी वहां रही। जो दोस्तों, जब ये लोग नारेबाजी लगाना शुरू किए तो वहां पर प्रशासन भी जो है सख्त हो गई, और उन्होंने कहा कि आपकी जो भी मांग है, जो भी बातें हैं वो आप बताइए, आपकी जो है बात अधिकारी तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद जो है एनएम के भी अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे, परिणाम के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अभी आयोग में काम चल रहा है, कुछ काम जो है जैसे कुछ पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, वो जैसे पूरे हो जाते हैं तो आप लोगों के रिजल्ट का जो है बता दिया जाएगा। जब एनएम के परिणाम के बारे में अभ्यर्थियों ने पूछा कि जो सर ये इसका कोई फिक्स डेट आप बता दीजिए कि कब तक रिजल्ट आएगा, तो उन्होंने बस ऐसे ही बात कहा कि रिजल्ट आप लोगों का जल्द ही आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रिजल्ट बन का तैयार है। उसी में से कुछ अभ्यर्थी पूछ लिए कि सर एक ये जो है 2 तारीख को जो है काफ़ी जो है शोर शराबा हुआ था कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, क्या ये सच बात थी? उन्होंने कहा कि कुछ गलतियां थी जो साइट की प्रॉब्लम या कुछ और ऐसी बात जो है उन्होंने बताई। बताने के बाद उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं है, अब जो है साइट भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है, एनम का रिजल्ट आप लोग को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। बस उसकी फ़िक्स डेट जो है, एक अभ्यर्थी फिक्स डेट पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि अभी कोई फिक्स डेट आप लोग को नहीं बताई जाएगी। और इसके बाद जो है AGTA के भी अभ्यर्थी जो है परेशान थे, वहाँ पर लोअर 2019 के छात्र भी जो है नियुक्ति को लेकर परेशान है, उन्होंने भी अपना फिक्स डेट की बात कही, तो उन्होंने कहा कि देखिए आयोग में काम चल रहा है, आप लोग घबराइए न मत, फिक्स डेट की कोई बात नहीं है, जब आयोग का काम जो है समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे हर काम जो है समाप्त हो जाएंगे और सब काम जो है बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। जैसे एनएम का परिणाम की बात हुई, तो एनएम के परिणाम के को लेकर बस एक बात यही कही गई कि आप लोग का रिजल्ट जल्द ही घोषित होगा, बस इतनी सी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो है अगर आप संतुष्ट हैं तो आप लोग अब जा सकते हैं, यही आश्वासन वहां से मिला है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का जो यूपी ट्रिपल एससी में जो धरना प्रदर्शन था, उसका सार मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि रिजल्ट आप लोग का जल्द ही बताकर आश्वासन दिया गया है, तो उसके बाद अभ्यर्थी वहाँ से चले आएँ। दोस्तों, संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है अभी सुनने में ये आ रहा है कि 8 तारीख को और भी अभ्यर्थी जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, वो यह जानने के लिए कि किस तारीख को रिजल्ट आएंगे, किस तारीख को जो है आप जो है नोटिफिकेशन निकालेंगे, यह सब जो है बात की बात है। तो दोस्तों, वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट अपडेट थे मैं आप लोग को बता दिया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।